नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत 872 करोड़ की लागत से बने उमरेड नागपुर नेशनल फोर लेन हाईवे का लोकार्पण केंद्रीय सड़क परिवहन महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी और कार्यक्रम के अध्यक्ष राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके हाथों किया गया। उमरेड स्थित न्यू अडियाल वाले लेआउट ग्रैंड बाईपास रोड पर लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को किया गया था। इसकी अध्यक्षता राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। इस अवसर पर राज्यसभा पूर्व सांसद डॉक्टर विकास महात्मे, पूर्व विधायक सुधीर पारवे, नागपुर जिला भाजपा अध्यक्ष अरविंद गजभिये, महाप्रदेश किसान अघाड़ी महामंत्री आनंद राव राउत, जय कुमार वर्मा, रूपचंद कड़ू, दिलीप सोनटक्के प्रमुखता से उपस्थित थे। विशेष अतिथियों में उमरेड क्षेत्र के विधायक राजू पारवे, विधायक प्रवीण दटके, टेकचंद सावरकर, विधायक मोहन मते, जिला परिषद अध्यक्ष मुक्ता कुकड़े, पूर्व विधायक अशोक मानकर, मल्लिकार्जुन रेड्डी, डॉक्टर राजीव पोद्दार, डॉक्टर शिरीश मेश्राम, विजय लक्ष्मी भदौरिया उपस्थित थी। विधायक पारवे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शॉल श्रीफल व स्मृति चिन्ह देकर सत्कार किया। प्रस्तावित भाषण में विधायक राजू पारवे ने उमरेड विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली समस्याओं की पूर्तता करने की अपील मंत्री गडकरी और उप मुख्यमंत्री फडणवीस से की। गडकरी ने कहा कि उमरेड से नागपुर फोर लेन हाईवे बनने से नागरिकों को काफी राहत मिलेगी, इससे लोगों के समय की भी बचत होगी। फोर लेन हाईवे बनने से विकास के द्वार भी खुलेंगे। इसके अलावा उमरेड से भीवापुर, उमरेड से कोही और उमरेड से बूटीबोरी, इन मिनी सड़कों का भी जल्द ही फोर लेन का कार्य प्रारंभ किया जाने की घोषणा की। आगे उन्होंने कहा कि गांवों के विकास के लिए अच्छी सड़क की जरूरत होती है। नागपुर शहर के आसपास का परिसर भविष्य में लॉजिस्टिक हब के लिए जाना जाएगा। वन विभाग की सभी रुकावटों का दूर करके ब्रॉडगेज मेट्रो का कार्य तत्काल प्रारंभ करने की मंशा भी उन्होंने जाहिर की। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कुही तहसील का आम्भोरा नदी पुल नागपुर भंडारा जिले को जोड़ने वाला मार्ग होगा, इसलिए आम्भोरा देवस्थान के लिए 200 करोड़ रुपए का डीपीआर मंजूर करने की घोषणा की। उमरेड नागपुर फोर लेन हाईवे निर्मिति में मंत्री गडकरी के उल्लेखनीय योगदान के लिए उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने आभार माना। कार्यक्रम में उपस्थितियों का आभार नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट ऑफिसर अरविंद काले ने माना। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति थी। नागपुर से बीसीएन न्यूज के लिए राजकुमार मोहर की रिपोर्ट।